स्टूडेंट आज हम सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वी नो दैट साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है बच्चों, सिमिलरली कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो एक थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी कि अगर दो फंक्शन किसी सेम नंबर पे कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, तो उसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड एंड गॉफ फॉग सभी क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग समझते हैं इसमें क्या लिखेंगे। थ्योरम के अकॉर्डिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो इससे हम लोग का फर्स्ट पार्ट कन्फर्म हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला रिवाइज कर दें। इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, सपोज ए पर बच्चों क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो थ्योरम क्या आती है एफ प्लस जी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सिमिलरली बच्चों एफ माइनस जी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। थर्ड क्या होगा बच्चों एफ इंटू जी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एंड द फोर्थ होगा एफ अपॉन जी, ठीक है, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जो जी एक्स वाला फंक्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर लिमिट रखने के बाद क्या नहीं होना चाहिए ज़ीरो। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा सेकेंड पार्ट इसका, तो इसका मतलब है इसका डिफरेंस भी क्या होने वाला है इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होने वाला है कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल। ठीक है बच्चों,